दिल्ली रे दीपावली बढ़ाइला प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट को क्रैकर बैन को फू करदेले दिल्ली बासिंदा। एमती कि विलंबित रात्रि पर्यंत लोके बाण फुटाइले। राजधानी विभिन्न गली कंदी बाण फुटा देखा मिली। फल विभिन्न स्थान में एयर क्वालिटी इंडेक्स आहुरी निम्न स्तर को चली जाइछि। सेहिपरि बाण धुआं कृत्रिम कुहुड़ी भ्रम सृष्टि होइछि। तेबे दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मात्रा बढ़ुवा हेतु सुप्रीमकोर्ट दीपावली बाण फुटाइबा उपरे प्रतिबंधक लगाइथिले। हेले सुप्रीमकोर्ट को सबु कटकणा फू करदेइछन्ति दिल्ली बासिंदा। लोक माने विलंबित रात्रि पर्यंत बाण फुटाई दिल्लीर परिवेश को पुणी थरे विषाक्त करदेइछन्ति। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नहीं आरंभ हो जाइछि राजनीति। दिल्ली मंत्री गोपाल राय कहिछन्ति राजधानी अधिकांश लोक बाण फुटाई नथिबा बेले केतेक स्थान रे बाण फुटा जाइथिबा देखिबा को मिलिछि। बाण फुटाइबा जोगु वायु प्रदूषण स्तर पुणी बढ़िछि। हेले बीजेपी नेता माने जेमिति लोकमानकु उसुकाउथिले आज एहार परिणाम देखिबा को मिलिछि बोली कहिछन्ति गोपाल राय। देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से पिछले तीन दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगभग 215 तक पहुंचा था, उसके बाद कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जबकि ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए। एनसीआर के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये पटाखे नहीं अगर जलते तो मेरे ख्याल से आज भी दिवाली के बाद भी जैसे हमने सबने धूमधाम से दिवाली मनाई, आज दिवाली की सुबह दिल्ली की हवा भी साफ सुथरी और होती। तो मैं दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से लोगों को बहकाने का काम करती है उसमें ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली इसका असर तो हमारे ऊपर ही हो रहा है। निश्चित रूप से बीजेपी के नेता जिस तरह से भाई भाजपा की तीन जगह अगर आप देखो तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा के नेताओं का एक बयान आप देखो किसी ने से अपील किया हो कि पटाखे ना जलाएं, बल्कि ये जरूर करते हुए बयान आपको मिल जाएगा कि पटाखे जलाइए। तो मेरे ख्याल से इस पर भाजपा को भी पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। इस तरह की चीजों से मतलब कल कितने सुकून में सारे लोग थे, अब आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, इसका एक सिर्फ कारण आज की तारीख में पटाखे जलाना। अगर भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग करती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहती है दुर्भाग्यपूर्ण है। बात केवल दिल्ली पुलिस की नहीं है, हरियाणा पुलिस की भी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है, तीनों जगह की पुलिस भाजपा के पास है, तीनों राज्यों की पुलिस भाजपा के नियंत्रण में है। और रात में क्या हुआ ये छुपा नहीं है, जबकि सामान्य तौर पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, कंसंट्रेटेड एरिया में पटाखे जलाए गए। नहीं देखिए अपील करने का फायदा हुआ है कि आज लोगों ने अपने आप लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन जिस तरह से हुआ है और तीनों राज्यों में, क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। नहीं अभी तक जो पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे एनसीआर में जो प्रदूषण की स्थिति है, जो अभी उसके लिए नियंत्रण के लिए अलग अलग जो इन्फोर्समेंट का काम चल रहा है, अलग अलग जो नियम लागू हैं, उनकी क्या स्थिति है, तो सारी परिस्थितियों पे आज समीक्षा करेंगे। तबे रविवार दीपावली पालन परे पुणी थरे राजधानी दिल्ली रो वायु रो अवस्था पुणी थरे बिगड़ी जाइछि। दीपावली राति परे आज सकाळु दिल्ली एवं यहार आखपाख अंचल गुड़िक घन कुहुड़ी आच्छादित होइछि। जातीय राजधानी रो अनेक अंचल रे घन कुहुड़ी देखा जिबा फलरे अनेक मीटर पर्यंत रास्ता भी ठीक से दिशी नथिला।
शुक्रवार और शनिवार कृत्रिम वर्षा जो जातीय राजधानी रे प्रदूषण स्तर सामान्य उन्नति घटी हेले दीपावली रे आतशबाजी जो स्थिति पुणी बिगड़ी दिल्लीर अनेक अंचल वायु गुणवत्ता स्तर प्राय 300 रे पहुंची केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सूचना मुताबक दिल्लीर वायु गुणवत्ता सोमवार खराब वर्गरे रही सोमवार सकाळे दिल्लीर आकाश धुआमय हो जाइछि विजिबिलिटी मध्य कमी दिल्लीर हाराहारी एक्यूआई बा वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब वर्गरे रही सेपटे पंजाब हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश चाषी नड़ा जाळिबा जारी रखिछन्ति तेबे आगकु प्रदूषण स्तर आहुरी बढ़िपे अनुमान करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट मोबाइल न्यूज 24x7।